खबर कोतवाली थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर फतेहपुर में एक 17 वर्षीय किशोर की लाश पलंग पर पड़ी हुई मिली। घटना के समय किशोर का पिता बाजार गया था। जब वो वापस लौटा तो उसे बेटे का शव पलंग के पास पड़ा मिला। मामले को लेकर पिता ने तीनों लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, मनु जाटव पिता दयाचंद जाटव उम्र 17 निवासी फतेहपुर जाटव मोहल्ला मनिया फतेहपुर 12वीं का छात्र था और एग्रीकल्चर से फतेहपुर में पिता डॉक्टर के यहाँ काम करते थे। पिता मार्केट गए थे, लौट कर आकर देखा तो उसका शव पलंग पर पड़ा मिला। क्या नाम है आपका? दयाचंद। लड़के को कौन लगते हैं? पिताजी। जी, इसने क्या किया लड़के ने आपको? क्या किया, फांसी लगाई या फिर आपको क्या लगता है? फांसी नहीं लगाई मैंने। तो क्या है? अरे जो बंटी रावत, कल्ला रावत, लल्लू रावत, अभिषेक रावत, इनने धमकी दी थी मुगाए। कब दी थी इसने धमकी? कल परसों। किस बात को लेके धमकी दी थी? तो ये मकान खाली कर, इस मकान में नहीं रहेगा तू। कौन सा मकान? वो जावो डॉक्टर साहब के रहता हूँ। आप वहीं रहते हो? काम करते हैं? काम करता हूँ वहाँ पे। तो आप अकेले रहते हो कि बच्चे भी रहते हैं? अकेले रहता हूँ मैं। रहने को लेकर दी थी क्या, और कोई बात भी थी? इस मकान पे स्टूअर्ट ने हम कब्जा करेंगे, रावत भैया में दादा भाई है। किस प्रकार की धमकी थी? ये तो तू रहेगा, तू मिलेगा तुझे मारेंगे, तेरे बच्चे मिलेगा बच्चे को मारेंगे। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कोतवाली वगैरह की थी? FIR आई भी है। FIR कराई थी? हाँ। तो आप जब गए थे FIR आई पहल की भी हैगी? और आप क्यों, आप जब कमरे में गए थे तब मतलब आपने क्या देखा? नीचे डला था वो पलंग पे, नीचे डला था, फांसी पे नहीं लटका था? नहीं नहीं। और गेट और खिड़की वगैरह खुले थे क्या? खिड़की खुली थी, गेट नहीं खुला था। ये बताइए, आप वहाँ पे रहते हो तो बच्चा कैसे पहुँचा वहाँ पे? मैंने बुलाया था ना ऑफिस में बैठने को, मैं बाजार गया था। आप मार्केट गए? हाँ। तो कितना समय बाद लौटे थे आप मार्केट? मैं करीब 1-1.5 घंटे बाद आया था। 1 घंटा तो मान लो करीब से करीब। वैसे निवास कहाँ पे है आपका? फतेहपुर। फतेहपुर भाई मोहल्ला। और ये डॉक्टर साहब का कहाँ पे? वो भरतपुर के रहने वाले हैं। लड़का और क्या करता था, पढ़ाई? उसका डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं है इसमें। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? राम कुमार। तो लड़का पढ़ाई वढ़ाई करता था? क्या करता? हाँ, करता था। 11 अभी 11वें पेपर दिए उसने। 12वें में था घटना का। ये आप मकान के पीछे जो विवाद हो रहा था, वो विवाद क्या था? पूरा विवाद डॉक्टर साहब का मकान है, ठीक है। बंटी रावत जबरदस्ती हड़पने पर रहा उसका बाप, 15 लाख दो, 20 लाख दो, कहाँ से दे देगा वो? और खरीदा किससे था डॉक्टर साहब? बंटी रावत। फिर आप बता रहे थे काम वगैरह भी करते थे वो? कौन? वो पहले काम करते थे, काम में चोरी बढ़ाई करी थी, भगा दे वो। कौन कौन काम करते थे वहाँ? बंटी रावत, सोनू सिकलीगर। तो पैसे किस एवज में मांग रहे थे डॉक्टर से वो? दादागिरी से। उसके बाद आप काम करने पहुँच गए वहाँ? मैं तो कर ही दिया था पहले से, 5 साल से, 2007 से, 17 से। और इनको कब भगाया था? इनको 1-2 साल के करीब हो गई। तो आप पहले साथ में काम करते थे? आप शुरू से कर रहे हैं मैं तो काम, इसलिए आपकी तो सुन। जी भग जाए तो पूरा काम हो जाए हमारा। क्या नाम है आपका? बलवीर। ये जो मृत जिसने फांसी लगाई है उसका क्या नाम था? मनु। आपका, आप उनका क्या रिश्ता था आपका? मेरे भतीजे का। भतीजा था आपका? भाई का लड़का। अच्छा, ये कोई कारण का पता चला कि उसने क्यों फांसी लगाई, क्यों फांसी नहीं लगाई अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं चला मुझे अभी तक। तो आपके कोई, आपके ऐसा कोई अनुमान जैसे किसी से कोई बात हुई हो, कोई घटना हुई हो उससे पहले अभी तक? उसके पिताजी मालूम घटना का दो। पिताजी कहाँ हैं उसके? पिताजी वहाँ में कोतवाली। धमकी किस चीज़ की? रावत से और 2-3 सिकली करें। अच्छा, उनसे कोई धमकी, ऐसी धमकी की कोई घटना थी, ऐसा कोई विवाद लेन देन आपस में? पहल की मकान को विवाद है, पहल की कंप्लेन भी है। अच्छा, कोतवाली में रजिस्टर्ड है। चलो ठीक। फतेहपुर पे एक मकान है जिसमें पहले कोई सिगली कर रहते थे, उन्हीं का एक काम करने वाला रहता है मनु पुत्र दयाचंद जाटव। दयाचंद वहाँ पे काम देखता रहता है, उनका लड़का भी वहीं काम करता है मनु। आज उसकी डेड बॉडी वहाँ ऊपर के कमरे में पलंग पे मिली है और पंखे में एक लेजम भी टंगी हुई थी जिससे सुसाइड होना प्रतीत होता है, लेकिन घर वालों का कुछ शक था। उस मकान तो कुछ विवाद भी चल रहा है इस वजह से, तो हमने मर कायम कर लिया और PM कराया। सर, परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी कोतवाली में? ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, पुराना उनका एक आवेदन चल रहा है और रावत समाज के एक दो लोग हैं उनका भी आवेदन चल रहा है उस मकान के ऊपर से,
और हम लोग मर्ग हमने कायम करा लिया, उसके बाद जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर, हो गया पूरा।